हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पॉइंटर शॉट पर। और आज हम बात करते हैं कि गूगल एडवर्ड में हम ऐड कैसे डिजाइन करें। गूगल एडवर्ड में अलग अलग टाइप के कैंपेन बनते हैं, जैसे स्मार्ट कैंपेन, रेस्पॉन्सिव सर्च कैंपेन और कॉल ऐड कैंपेन। आज इस वीडियो में मैं आपको सभी टाइप के कैंपेन बनाकर दिखाने वाला हूं। सबसे पहले मैं आपको स्मार्ट कैंपेन बनाकर दिखाऊंगा। और स्मार्ट कैंपेन बनाते टाइम आप कीवर्ड थीम कैसे यूज करें और कीवर्ड थीम का सिलेक्शन किस टाइप से करते हैं, ये सब बताऊंगा। उसके बाद स्मार्ट मोड से एक्सपर्ट मोड में स्विच कैसे करते हैं और स्विच करने के बाद एक्सपर्ट मोड में जो रेस्पॉन्सिव सर्च कैंपेन होती है वो कैसे बनाते हैं और कॉल ऐड कैसे बनाते हैं या फिर डायनेमिक ऐड कैसे बनाते हैं, ये सब बताने वाला हूँ। आइए अब मैं आपको अपनी स्क्रीन की तरफ लेकर चलता हूँ और बताता हूँ कि एक अच्छा कैंपेन कैसे डिजाइन करते हैं। अगर आप अपना गूगल एडवर्ड में एडवर्ड पर अकाउंट बनाना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले आपको अपने ईमेल आईडी में लॉगिन करना है। और ईमेल आईडी में लॉगिन करने के बाद यहाँ पर आपको गूगल एप्स के नाम से जो आइकन बना हुआ है उस पर क्लिक करके सबसे नीचे आना है। यहाँ पर गूगल एड्स पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने जो गूगल एड्स का पेज है वह ओपन हो जाएगा। और अभी एक ऑफर चल रहा है गूगल एड्स पर कि 20,000 में 20,000 का एड क्रेडिट आपको मिलेगा अगर आप 20,000 रुपीज स्पेंड करते हो। तो उसके बाद आपको 20,000 रुपीज का एड क्रेडिट मिलेगा। सबसे ऊपर में मैसेज आ रहा है टू हेल्प यू गेट स्टार्टेड विद गूगल एड्स वी विल गिव यू 20,000 फ्री एड क्रेडिट व्हेन यू स्पेंड 20,000। मीन्स जैसे ही आपके 20,000 रुपीज स्पेंड होंगे उसके बाद आपको 20,000 का एड क्रेडिट गूगल की तरफ से मिलेगा। और उसके लिए क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं यहाँ पर दिए हुए हैं, आप ये सब इजीली देख सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ पर क्लिक करें साइन इन पर। साइन इन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर लिखा हुआ है कि यू डोंट हैव एनी गूगल एड्स अकाउंट, वुड यू लाइक टू क्रिएट ए न्यू वन, न्यू गूगल एड्स अकाउंट पर क्लिक करें। अब यह स्मार्ट कैंपेन बाय डिफॉल्ट आता है कि आपको स्मार्ट कैंपेन बनाना है, या नीचे लिखा हुआ है कि स्विच टू एक्सपर्ट मोड। आर यू ए प्रोफेशनल मार्केटर्स, अगर आप एक एक्सपर्ट है तो आप एक्सपर्ट मोड में भी अपना एड बना सकते हैं। और नीचे जो गूगल का हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है आप गूगल से कॉन्टेक्ट करके भी अपना इजीली जो गूगल एडवर्ड अकाउंट है वह बना सकते हैं। लाइव चैट का ऑप्शन दिया हुआ है। अब मैं बाय डिफॉल्ट गेट मोर कॉल्स का जो ऑप्शन है वह टिक जो हुआ हुआ है उसी के साथ कंटिन्यू करता हूँ। नेक्स्ट पर क्लिक करें। यहाँ पर सबसे पहले लिखा हुआ है योर बिजनेस नेम JMC। मैं पहले ही एक बना चुका हूँ कि जिस क्लाइंट के लिए बना रहा हूँ उसके बिजनेस नेम, ईमेल और फोन नंबर और जो कीवर्ड है उसका पहले से एक्सेल या नोटपैड में आप नोट करके बनाएं ताकि कोई भी कंफ्यूजन आपको न रहे। जितना एक्यूरेट आप अपना एड बनाएंगे आपको इतने अच्छे कॉल्स आएंगे और आपका एड सस्पेंड नहीं होगा। JMC कार ट्रांसपोर्ट नेक्स्ट करें। नेक्स्ट में यहाँ पर आपको वेबसाइट डालना है, वेबसाइट में डाल देता हूँ https://www.jmcargoindia.com। नेक्स्ट करें। नेक्स्ट करने पर ये आपकी वेबसाइट स्कैन कर रहा है और वहां से कुछ बाय डिफॉल्ट इंफॉर्मेशन गूगल पिक करता है और आपके जो एड है उसमें अपडेट करता है। नेक्स्ट करें। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नाउ टाइम टू राइट योर एड, आपको अपने एड से रिलेटेड यहाँ पर इंफॉर्मेशन डालनी है। यहाँ पर 3 headline 2 description होते हैं, यह आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। गूगल ने जो बाय डिफॉल्ट इंफॉर्मेशन पिक की है वह आपकी वेबसाइट से की है, आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। जैसे यहाँ पर है कार ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, फिर मैं जो सेकंड ऑप्शन है कार ट्रांसपोर्टेशन भोपाल, मैं सेकंड ऑप्शन डालता हूँ कार शिफ्टिंग सॉल्यूशंस। आप अपने जो बिजनेस से रिलेटेड बेस्ट डिस्क्रिप्शन और कीवर्ड है वो डाले, आप जो बाय डिफॉल्ट वाले हैं उनको चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो डिस्क्रिप्शन है वह 90 वर्ड का होना चाहिए। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि ये 55 का उठाया है और ये 31 का। अब मैं अपने अकॉर्डिंग यहाँ से अपना उठा रहा हूँ जो मैं अपनी वेबसाइट में मेंशन करूंगा। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरा डिस्क्रिप्शन बहुत दोनों डिस्क्रिप्शन कंप्लीट हो गए हैं। अब आप नेक्स्ट पर क्लिक करें। ऐड कीवर्ड थीम टू मैच योर एड टू सर्चिंग। अब आपको यहाँ पर अपने कीवर्ड यहाँ पर डालने हैं। ये कीवर्ड थीम होती है जो स्मार्ट कैंपेन में बनती है और कीवर्ड थीम आप अपने अकॉर्डिंग यहां पर मेंशन कर सकते हैं। गूगल की तरफ से भी कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, उनमें से कौन से कीवर्ड आपके बिजनेस से रिलेटेड है वह आपको खुद सेट करने हैं।
जैसे कि ये ट्रक शिपिंग एजेंट मैं नहीं हूँ, बोट शिपिंग एजेंट नहीं हूँ, हैवी व्हीकल एजेंट मैं नहीं हूँ, इंटरनेशनल व्हीकल शिपिंग नहीं है, कार शिपिंग, व्हीकल शिपिंग, कार शिपिंग हो सकता है, कार मूवर्स है, कार ट्रांसपोर्ट है, व्हीकल मूवर्स है, कार ट्रांसपोर्ट पोर्ट है, कार पैकर्स मूवर्स है, कार ट्रांसपोर्टेशन है। अब यहाँ पर आप 10 से ज्यादा कीवर्ड नहीं लगा सकते, जैसे कि मेरे 7 कंप्लीट हो गए, अभी मुझे 3 और ऐड करने हैं। अब और क्या ऑप्शन दिए हुए हैं, और ऑप्शन यहाँ पर मेरे बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, तो मैं अपने मन से जो मेरे कीवर्ड है वह मैं पहले से लिखे हुए है, कार कैरियर सर्विस। अब न्यू कीवर्ड थीम पर क्लिक करें और यहाँ पर डाल दें कार शिफ्टिंग। अब आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैं 10 कीवर्ड से ज्यादा एक कीवर्ड डाला, फॉर बेस्ट रिजल्ट लिमिट 7 to 10 कीवर्ड थीम। आपको 7 to 10 कीवर्ड ही रखने हैं, यह एक स्मार्ट कैंपेन का थोड़ा ड्रॉबैक बोल सकते हैं कि अगर हमारे ज्यादा कीवर्ड है तो एंड यूजर को उससे ज्यादा कीवर्ड यूज करने के लिए गूगल सजेस्ट नहीं करता, फिर आपको किसी कंपनी से कॉन्टेक्ट करना होगा। नेक्स्ट करें। ये मेरा गुड़गांव का दिखा रहा है, लोकेशन मैं अपने नीड के अकॉर्डिंग सेट कर सकता हूँ कि किस किस सिटी में मुझे अपना ऐड शो करना है। मैं सिटी वाइज यहाँ पर अपना ऐड शो करना चाहता हूँ कि किस किस सिटी में मेरा ऐड शो हो। आप ये अपने अकॉर्डिंग कम ज्यादा कर सकते हैं, अगर आप फ्यूचर में भी अपना ऐड एडिट करके सिटीज ऐड करेंगे तो यह इजीली हो जाएगा। अब मैं नेक्स्ट करता हूँ। अब यहाँ पर डेली बजट आ रहा है कि आपको पर डे का क्या बजट रखना है। आप अपने नीड के अकॉर्डिंग बजट सेट कर सकते हैं, जैसे हम 500 पर डे का बजट लगाना चाहते हैं कि 500 रुपीज पर डे का बजट लगाएं। इसके बाद आप नेक्स्ट करें। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ऑफर सक्सेसफुली अप्लाइड, यू रिसीव 20,000 एड क्रेडिट When you spend 20,000, यह जो कूपन कोड है वह अप्लाई हो चुका है बाय डिफॉल्ट। कुछ लोग यहाँ पर क्या करते हैं कि कूपन कोड हम आपको अवेल कराएंगे, इसके लिए कंपनी दूसरे क्लाइंट्स को बोल रही है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो कूपन कोड है वो कंपनी के थ्रू ही आपको मिलेगा, आप डायरेक्ट इसको अवेल कर सकते हैं गूगल की ऑफिशियल वेबसाइट से। इसके बाद पेमेंट मेथड आता है कि पेमेंट आपको मनी ट्रांसफर, नेट बैंकिंग, क्रेडिट या पेटीएम वॉलेट से करना है। जिस पेमेंट मेथड से आप जो है पेमेंट करना चाहते हो उससे कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक मैसेज आ गया है, जैसे ही आपका पेमेंट कम्प्लीट होगा, कॉन्ग्रेट्स यू ऑल आर डन, और एक्सप्लोर योर कैंपेन पर क्लिक करेंगे तो आपकी जो कैंपेन है वह आपके सामने आ जाएगी। अभी यह थोड़ी देर के लिए इंटरव्यू रहेगी, उसके बाद आपकी जो कैंपेन है वह लाइव हो जाएगी। अब यह गूगल एनालिटिक्स से कनेक्ट करने के लिए बोल रहा है कि गूगल एनालिटिक्स से अगर आप इसको कनेक्ट करना चाहते हैं तो एनालिटिक्स से भी कनेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर एनालिटिक्स के थ्रू आपका अकाउंट वेरीफाई करके एक बार दिखा देता हूँ कि एनालिटिक्स से कैसे कनेक्ट करते हैं। अब आपको यह कोड अपने जो सी पैनल में लॉगिन करने के बाद इंडेक्स पेज पर डालना है। अगर आप यह कोड आपके इंडेक्स पेज पर डालेंगे तो आपका जो गूगल एडवर्ड है वह आपके गूगल एडवर्ड अकाउंट से, जो आपका एडवर्ड अकाउंट है वह एनालिटिक्स से कनेक्ट हो जाएगा, और एनालिटिक्स से कनेक्ट होने के बाद आपको अपना जो वेबसाइट के ऊपर क्लिक्स होते हैं उसका भी इंफॉर्मेशन मिलता रहेगा, और जो ऑर्गेनिक ट्रैफिक है उसका भी इंफॉर्मेशन आपको मिलता रहेगा। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो कैंपेन बना है यह अभी अंडर रिव्यू है, जैसे ही यह कंप्लीट होगा तो आप देख सकते हैं कि कितने यहाँ पर इंप्रेशंस आए, क्लिक्स आए, कॉल्स आए, वो सब इंफॉर्मेशन आप यहाँ पर इजीली देख सकते हैं। यह एक जो कैंपेन बना है वह स्मार्ट कैंपेन है। अगर आप यहाँ ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है स्विच टू एक्सपर्ट मोड। अब मैं एक कैंपेन आपको एक्सपर्ट मोड में बनाकर दिखा देता हूँ कि एक्सपर्ट मोड में कैंपेन कैसे बनाते हैं। स्विच टू एक्सपर्ट मोड। एक्सपर्ट मोड इज फॉर मार्केटिंग प्रोस दैट नीड स्पेशलाइज्ड कैंपेन टाइप, एडजस्टेबल बिडिंग स्ट्रेटजीज, कस्टम एड ग्रुप्स, ऑल योर एग्जिस्टिंग स्मार्ट कैंपेन कीप देयर करंट सेटिंग। जो अभी स्मार्ट एड है वो एज इट इज रहेगी, जो न्यू एड हम बनाएंगे फिर वो एक्सपर्ट मोड में बनेगी, बट एक्सपर्ट मोड में जाने के बाद आपको स्मार्ट मोड में आने का कोई ऑप्शन नहीं है। इसलिए अगर आप अच्छे से इसकी नॉलेज रखते हैं तभी आप
एक्सपर्ट मोड में अपनी कैंपेन बनाए, अदरवाइज आप स्मार्ट मोड में ही अपनी कैंपेन बनी रहने दें। अब न्यू कैंपेन पर यहाँ पर क्लिक करें। अब न्यू कैंपेन जो हम बनाएंगे वो एक्सपर्ट मोड में कैंपेन बनाने जा रहे हैं। व्हाट्स योर कैंपेन ऑब्जेक्टिव, क्रिएट ए कैंपेन विदाउट गोल गाइडेंस पर क्लिक करके नेक्स्ट करें। उसके बाद सर्च पर क्लिक करें। सर्च पर क्लिक करने के बाद आप कंटिन्यू करें। अब आपको अपनी वेबसाइट और मोबाइल नंबर यहाँ पर डालना है। आप इसी फॉर्मेट में अपना नंबर डालें जो फॉर्मेट गूगल की तरफ से सजेस्ट किया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 0 के साथ स्टार्टिंग है और उसके बाद जो लास्ट के 5 डिजिट है और जो स्टार्टिंग के 5 डिजिट है उनमें थोड़ा गैप है एक स्पेस का, तो आप भी एक स्पेस का गैप देकर कंटिन्यू करें। यह बजट आप अपने नीड के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट पर क्लिक करें। अब यहाँ पर नेटवर्क में कैंपेन सेटिंग का जो नेटवर्क है वह डिस्प्ले और सर्च नेटवर्क है। हम सिर्फ सर्च नेटवर्क में अपनी ऐड डिस्प्ले करना चाहते हैं तो सर्च ऐड में ही हमारा कैंपेन दिखाई देगा। इसके बाद हम लोकेशन यहाँ पर डाल सकते हैं कि आप किस किस लोकेशन पर अपना जो कैंपेन है वह शो करना चाहते हैं, तो गुड़गांव। इसके बाद आप यहाँ पर लैंग्वेज में इंग्लिश और कंटिन्यू करें। अब यहाँ पर जो बाय डिफॉल्ट कीवर्ड आए हैं वह है कि कार ट्रांसपोर्ट, ये ओके है। कार ट्रांसपोर्ट कंपनी, ये ओके है। ऑटो ट्रांसपोर्ट कैरियर्स, अभी यह पैकर्स मोर्स के लिए हम नहीं बना रहे, सिर्फ कार ट्रांसपोर्ट के लिए ये कैंपेन है, तो मैं कार ट्रांसपोर्ट के ही कीवर्ड इसमें ऐड करना चाहता हूँ। आप अपनी तरफ से यहाँ पर जितने भी कीवर्ड ऐड करना चाहते हैं, यहाँ पर ऑप्शन होता है कि आप मल्टीपल कीवर्ड डाल सकते हैं। अब आपको यहाँ पर जो एड स्ट्रेंथ है वह पुअर दिखाई दे रही है। अब आपको अपना एड स्ट्रेंथ अच्छा करने के लिए यहाँ पर आपको 15 हेडलाइंस आप डाल सकते हैं। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एड स्ट्रेंथ गुड हो चुकी है, बट मैं अभी और भी ऐड करने के ऑप्शन दिए हुए हैं, तो मैं और भी ऐड करना चाहता हूँ जिससे कि मेरा जो एड स्ट्रेंथ है वह बेस्ट हो जाए। इसके बाद आपको यहाँ 3 to 4 डिस्क्रिप्शन ऐड करने हैं और डिस्क्रिप्शन में हम अपनी वेबसाइट से भी कुछ मैटर ले सकते हैं। इसके बाद आप नेक्स्ट पर क्लिक करें। अब आपको यहाँ पर कुछ साइट लिंक, एटलीस्ट 2 साइट लिंक गूगल की तरफ से सजेस्ट किया गया है कि आप 2 साइट लिंक जरूर ऐड करें, और मैं अपनी वेबसाइट से 2 साइट लिंक ऐड कर देता हूँ। जैसे एक साइट लिंक है ट्रांसपोर्टेशन सर्विस और एक दूसरा मैं डाल देता हूँ कार ट्रांसपोर्ट दिल्ली। उसके बाद आप नेक्स्ट पर क्लिक करें। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको कीवर्ड भी दिखाई दे रहे हैं, एड्स भी दिखाई दे रहे हैं, कॉल एक्सटेंशन भी आपको दिख रहा है। फिर पब्लिश कैंपेन पर क्लिक करें। आपकी जो कैंपेन है वह बन चुकी है। अब आप ऑल कैंपेन पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको 2 ऐड यहाँ पर दिखाई देगी। अभी यह अंडर रिव्यू है। ऑल सर्च ऐड पर क्लिक करें। यह आप देख सकते हो रेस्पॉन्सिव सर्च ऐड। अब इसके बाद आपको एक ऐड और बनाना है और वह होता है कॉल ऐड्स। ये फर्स्ट वाला आपका बन चुका है जो एक्सपर्ट मोड में है, और सेकंड वाला होता है कॉल ऐड। यह भी एक्सपर्ट मोड में ही आपके पास एक ऑप्शन आएगा, स्मार्ट मोड में यह ऑप्शन नहीं होता क्योंकि वहाँ बाय डिफॉल्ट एक लोकल ऐड बनता है। बट इस कॉल ऐड और उस कॉल ऐड में काफी डिफरेंस है। यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग काफी कीवर्ड ऐड कर सकते हो। वहां पर सिर्फ 10 कीवर्ड ऐड करने का ऑप्शन आपके सामने होता है। अब आपको यहाँ पर हेडलाइंस डालनी है। हेडलाइंस में आप अपने कीवर्ड डाल सकते हो, जो भी आपके बेस्ट कीवर्ड है। अब आप यहाँ पर जो नीचे ऑप्शन दिया हुआ है कॉल रिपोर्टिंग इज टर्न्ड ऑन, और यहाँ पर कॉल फ्रॉम एड्स पर क्लिक करके आप सेव न्यू एड क्लिक करेंगे, और सेव न्यू एड जैसे आप क्लिक करते हैं तो आपको अपने जो 2 एड जो आपने एक्सपर्ट मोड में बनाए हैं वह आप देख सकते हैं, एड टाइप कॉल एड और एड टाइप रेस्पॉन्सिव सर्च एड। अब आपके दोनों तरीके के जो एड है वह कंप्लीट हो चुके हैं। अगर इसके बाद आपको कोई क्वेरी कंफ्यूजन होता है तो आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं हमारी टीम से, या इस वीडियो पर कमेंट कर सकते हैं। अब अगर आपको कोई रिकमेंडेशन गूगल की तरफ से आता है तो आप रिकमेंडेशंस पर क्लिक करके वह रिकमेंडेशन फिक्स करेंगे, और जैसे जैसे आपका जो
रिकमेंडेशन आएंगे, आपको उनके ऊपर एक्शन लेना है, क्योंकि जो आपका एडवर्ड का स्कोर होता है वह भी आपको मेंटेन रखना है कि आप अच्छा एड मेंटेन करके चलाएं, और गूगल के जो सजेशन आते हैं, गूगल की जो क्वालिटी पॉलिसीज है या गाइडलाइन है, उनको फॉलो करें और अच्छे से अच्छा अपना जो कीवर्ड है वह डालें, इसमें आपका कैंपेन ऑप्टिमाइज रहेगा और आपको अच्छे से अच्छे कॉल्स आएंगे। जैसा कि आपने मेरे वीडियो में देखा कि स्मार्ट ऐड बनाना या रेस्पॉन्सिव सर्च ऐड बनाना या कॉल ऐड बनाना बहुत इजी है, ये सब स्टेप फॉलो करके आप अपने बिजनेस से रिलेटेड अपनी वेबसाइट का सर्च कैंपेन ऐड या गूगल ऐड या फिर कॉल ऐड बना सकते हैं। इससे आपको बहुत अच्छी इंक्वायरी आएगी और हो सकता है आपको कम बजट में बहुत अच्छी इंक्वायरी आए, क्योंकि यह एक ऐसा प्रमोशनल मेथड है, यह एक ऐसा एडवर्टाइजमेंट है जिस पर सबसे ज़्यादा क्लिक होते हैं और यहाँ से सबसे ज़्यादा कॉल्स आती है, क्योंकि गूगल एडवर्ड गूगल सर्च में सबसे टॉप में दिखाई देता है। और अगर आपका बिजनेस वेबसाइट सबसे टॉप में दिखाई देगा तो आपको मैक्सिमम कॉल आएगी। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट एंड जरूर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।